आज हम आए हैं कैथल, एक 22 मई को हमारे सभी पिछड़ा वर्ग के साथी मिलकर कैथल नई नाज मंडी रेलवे स्टेशन के पास एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। और सम्मेलन वो बिना पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं है, कोई डंडा नहीं है, ना किसी नेता की फोटो है उसके अंदर, वो समाज का ही प्रोग्राम है और सभी साथी मिलकर वो प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं कि आज से करीब 2 साल पहले मेरे से समाज के कई संगठन मिले थे कि बैकवर्ड समाज के अंदर कई संगठन हैं, उन्होंने मिलकर मेरे को ये पूछा, कहा था कि भाई देखो हमारी समाज की बैकवर्ड की कई मांगे हैं, पैदल चलकर हम देख ली, सीएम को ज्ञापन दे के हमने देख लिया, हमारी मांग के ऊपर कोई विचार नहीं हो रहा, तो आप कोई सुझाव दो। हमने उनको सुझाव दिया था, देखो भाई आप लोग सम्मेलन करो हर जिले के अंदर और हाजिरी पूरी होनी चाहिए। तो हमने उनको सुझाव दिया तो उन्होंने ये कहा था कि आपने हमारे के साथ रहना पड़ेगा। हमने कहा कि हम आपके साथ हैं। तो हमने सबसे पहले सम्मेलन हमने फतेहाबाद के अंदर किया था 22 मई 2022 को। उसके बाद के अंदर हमने जुलाई में किया था गोहाना सोनीपत के अंदर, और दिसंबर के अंदर हमने किया था भिवानी, और अब हम कर रहे हैं कैथल। हमारी 5-7 मांगे हैं, जैसी एक मांग तो हमारी है क्रीमी लेयर की, जिसमें कि हमारे को बाबा साहब ने और स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने हमारे को बैकवर्ड को जो आरक्षण दिया उसको ये लोग ख़त्म करने जा रहे हैं क्रीमी लेयर की आड़ में। एक तो क्रीमी लेयर की है कि भाई उसकी जो इनकम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 लाख है तो इन्होंने 6 कर दी, तो 10 लाख रुपये जो विपक्ष का नेता चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उन्होंने स्पेशल कहा है कि आप 10 लाख करें। और एक क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्या उसके अंदर 3rd क्लास और 4th क्लास कर्मचारी की सैलरी नहीं है, और छोटे कर्मचारी छोटे दुकानदार की भी नहीं इनकम उसके अंदर वैल्यू, तो इन्होंने वो भी कर रखी है। एक तो ये क्रीमी लेयर का मामला है, इसमें हमारा आरक्षण तो खत्म हो जाएगा। एक है जातीय जनगणना का, कि देखो हम ये कहते हैं कि जातीय जनगणना कराए, कांग्रेस पार्टी के समय में ये शुरू हो गई थी, अचानक बीजेपी की सरकार आ गई 2014 के अंदर, इन्होंने वह बंद कर दी। जातीय जनगणना हो, हर समाज को हर जाति को पता लगे कि हमें देश भर प्रदेश में कितने लोग हैं। एक हमारा जो हुड्डा साहब ने बैकवर्ड ए को 10% और बैकवर्ड बी को 5% जो क्लास 1-2 में हुड्डा साहब ने दिया था, तो हम ये कहते हैं कि 15 तो हुड्डा साहब ने कर दिया था, 10 का 15 किया था, पूरा नहीं किया, परंतु भी हमारी मांग है बीजेपी सरकार से खट्टर साहब से कि हमारा 27 पूरा करें, एक जो बैकलॉग है उसको पूरा करें। और एक ये था कि हमारी सरकार के अंदर जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो पिछड़े वर्ग के साथियों को स्कूलों के अंदर सरकारी स्कूलों में जब बच्चे पढ़ते थे 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक वजीफा देना काम किया था, इन्होंने वो वजीफा लगभग बंद कर दिया। मैं भी कई गांवों के अंदर गया और सभी से हमने पूछा है कि वो वजीफा पहले स्कूल में आता था और स्कूल में जो क्लर्क होता था वो उनके माँ बाप के खाते में डाल देता था, इन्होंने आहिस्ते आहिस्ते वो बंद कर दिया कि चंडीगढ़ डायरेक्टर ऑफिस में पैसे डलने शुरू हो गए इसलिए वो ख़त्म कर दिया। हमारी मांग है सरकार से कि वो 50 वाला 100 करे, 600 वाला 1200 करे, ताकि गरीब के बच्चे पढ़ लें। इसी तरह जब हुड्डा साहब की सरकार थी 3,92,000 प्लाट 100 वर्ग गज के कांग्रेस पार्टी ने दिए थे SC BC भाइयों को, हमारी सरकार से मांग है कि 9 साल के अंदर इन्होंने 1 इंच जगह नहीं दी, उस स्कीम को दोबारा लागू करें ताकि गरीब आदमी आज के दिन महंगाई के अंदर प्लाट नहीं ले सकता, इसलिए सरकार दोबारा ये लागू करे। एक और मामला है, हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने कई वर्गों का बोर्ड बनाए, जैसे कि माटी कला बोर्ड बनाया 2013 के अंदर, उसका चेयरमैन बनाए, मेंबर बनाए, सरकार बदल गई। पिछली 5 साल के अंदर बीजेपी ने सिर्फ 3 साल में 2 चेयरमैन बनाए, बदल दिए, और इब 4 साल में कोई चेयरमैन नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, वो बोर्ड ख़त्म होने जा रहे हैं। और एक और है, जैसे कि सैन समाज के भाई हमारे हैं, सैन समाज के साथियों कैश कला बोर्ड बनाया, इन्होंने 9 साल के अंदर उस बोर्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं, ना कोई मेंबर है ना कोई चेयरमैन। और भी कई चीज़ थी, आवा पजावा की ज़मीन का मैटर था कुमार जाति के लिए, और भी ऐसे था जो भाई बर्तन बनाते हैं गाँव के अंदर उनके लिए हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने एक फैसला और लिया था, जिस गांव में ज़मीन नहीं है उनको 5 किले ज़मीन हम एक्वायर करके देंगे, इनका उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक जो ये थोड़ा बहुत इन्होंने किया है, वो जब किया इन्होंने, जब हमने फतेहाबाद पहली रैली करी 2013 के अंदर,
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया हमारी सरकार में, इन्होंने सरकार बनते ही उस पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन खत्म कर दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग। उसका बाद में जब हमने फतेहाबाद रैली करी, उसका बाद के अंदर इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बना किया, और जैसे हमने अगली रैली घोषणा करी गोहाना के अंदर, तब इन्होंने पंचायतों में 8% दिया। भाई नू बताओ, जब 16% तो हमारे को आरक्षण है तो 8% क्यों? और ये भी कहा कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा है वहाँ पर हम 8 देंगे, जहाँ आबादी कम है वहाँ पर 2 देंगे। भाई एक प्रदेश है, कानून 2 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे को 27 दो, बैकवर्ड बी को भी दो। भाई जहाँ पर बैकवर्ड बी कम है तो वे तो फिर कभी नहीं बनेंगे, फिर सरपंच नहीं बन पाएंगे कभी भी। एक तो ये भी है, और अभी पीछे नया नया अभी इन्होंने एक काम और किया है, जो जो हम रैलियाँ करते हैं तब सरकार कोई ना कोई छोटा मोटा काम करती है। एक जैसी कहावत है नहीं कि बकरी दूध तो देगी पर तू मींगना करके देगी, ऐसे ऐसे। तो एक जैसे कि अभी इन्होंने नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में 8% देने का काम किया, भाई क्यों भी 16% क्यों नहीं दे रहे, 16% दो। तो हमारी ये मांग है, जायज मांग है। एक आजकल बच्चों का सीटेट का मुद्दा है, वो भी एक तगड़ा मुद्दा है, बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार ने। और भी अनेक मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों को लेकर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और मेरे को अनुमान है कि जितने हमारे प्रोग्राम हुए हैं सारे के सारे सक्सेसफुल है। और इसके अंदर भी प्रोग्राम में जब मैं 40-50 गाँवों का दौरा किया है और हर हमारे बैकवर्ड के साथियों से हम मिले हैं, तो उनमें तकड़ा हौसला भी है, और मेरा मानना है कि यहाँ पर एक सम्मेलन रैली का रूप करेगा।